तो कैसे हो भाई लोग, आप सभी का वेलकम बैक हो गया न्यू गेम प्ले सीरीज में। तो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में हम खेलने जा रहे हैं ट्रेंच सिमुलेटर। तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का थैंक्स कि हमारे चैनल पे 50 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। तो चलो कोई नहीं, वीडियो को सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं अपने बंदे को कस्टमाइज करके तुम्हें 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ। तो गाइस यार, यहाँ पे फिलहाल हमारा करेक्टर कस्टमाइज हो गया, तो यार काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। चलो कोई नहीं यार, मैं तुम्हें गेम के अंदर मिलता हूँ। यहाँ पे फिलहाल गेम स्टार्ट हो चुकी है। तो यार यहाँ पे मेन पे हमें समझा रहा है कि भाई सब कौन कौन से बटन, मतलब के मेन स्टार्ट होने हैं, यूज होने हैं। तो चलो कोई नहीं, फटाफट से गाइस यहाँ पे फॉलो द ब्लू आइकन एंड रीड द लेटर। तो चलो कोई नहीं, फटाफट से जाते हैं अपने रेंच। ये रेंच काफी ज्यादा बढ़िया है। तो चलो कोई नहीं, फटाफट से यार यहाँ पे देखते हैं कि दरवाजा कहाँ पे है। एक मिनट, ये पता नहीं क्या चीज है, शायद यहाँ पे हम सो सकते हैं, ये काफी ज्यादा बढ़िया है। चलो कोई नहीं, यहाँ पे दरवाजा देखते हैं किससे हमें एंटर होना है। तो यार फिलहाल मुझे कोई दरवाजा नजर नहीं आ रहा। ओ भाई सब ये रहा, तो यार इससे हमें एंटर होना है। तो अब फॉलो द ब्लू आइकन एंड रीड द लेटर। कहाँ पे पड़ा है लेटर? तो भाई सब ये पड़ा है, फटाफट से यार लेटर को पढ़ते हैं। तो भाई साहब यार, हमने लेटर पढ़ लिया। तो यार इसने लिखा है कि यार ये गेम कुछ यूं है कि स्टोरी इसकी कि यार हमारा एक ग्रैंडपा था, वो ना मरने से पहले हमारे नाम मतलब के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें रख के गया था। और उसने मतलब के वो हमें समझा रहा है कि ये तुमने काम करना मेरे जाने के बाद। तो यार लेटर में कुछ यूं ही लिखा था। तो चलो कोई नहीं, फटाफट से यार यहाँ पर हमारी और भी चीज़ें हैं, तो आर से हम गेम सेव कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। तो यहाँ पर फिलहाल उठ जाते हैं, हम स्पेस से उठ गए। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, टर्न ऑन रेडियो ऑन दी वॉल। रेडियो, तो भाई साहब वो ब्लू कलर का आपको निशान ये सामने की तरफ नज़र आ रहा हो, इसकी तरफ हम भाग के जाने वहाँ पे जाके ना भाई साहब कोई रेडियो पड़े उसे हमें ऑफ करना है। तो गाइस ये यहाँ पे फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ रेंच के अंदर। तो यहाँ पे मुझे दरवाज़ा खोलना है। तो यहाँ पे शायद से बता रहे हैं कि यहाँ पे कोई रेडियो पड़ा है, तो यहाँ से दरवाज़ा ओपन करते हैं। ओ भाई साहब हमें मुँह पर नहीं मारना। तो यहाँ पर फिलहाल रेडियो कहाँ पर मिलेगा हमें? तो यार दोबारा से जाते हैं अंदर। तो यहाँ पर ओ भाई साहब, तो यहाँ पे तो गाइस यार ये पड़ा है रेडियो। तो ई टर्न ऑन द रेडियो। ओ अब हमें कहाँ जाना है? तो यार ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड पे कहीं निशान दिखा रहा है, फटाफट यार ऊपर जाके चेक करते हैं क्या करना है। तो भाई सब ये कड़ा है, तो यार इसे जल्दी से हम रिमूव करते हैं। तो ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टैब को होल्ड करके इसे डिलीट हो चुका है। तो अब हम दोबारा से ये करके हैंड ले लेना। तो अब हमें शायद से ऊपर की तरफ जाना है। तो यार मैंने पहले एक बार खेल के चेक की थी, मुझे ना थोड़ी बहुत स्टोरी पता है। तो यार फटाफट से हमें आगे जाना है। तो यार आगे पता नहीं क्या चीज़ पड़ी है, देखते हैं आगे जाके। तो यहाँ पे मैं क्राउच हो गया हूँ, तो फटाफट से यार आगे जाके चेक करते भाई सब क्या है उसके अंदर। तो यार काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चीज़ लगती है इसके अंदर, कुछ तो पड़ा होगा कोई काम का, क्योंकि भाई सब इतनी ज़बरदस्त चेस्ट है ना, देखते हैं एक बार। तो यार अंदर क्या चीज़ पड़ी है? तो भाई सब काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो ये पता नहीं बुलेट्स हैं शायद से, पता नहीं क्या है। तो यहाँ पे थोड़े बहुत डॉलर्स वगैरह पड़े हैं, डॉलर्स भी उठा लेते हैं। यहाँ पे भाई सब एक और लेटर पड़ा है, तो फटाफट गाइस मैं लेटर पढ़ के तुम्हें बताता हूँ। तो गाइस यार इस लेटर में लिखा हुआ कि मतलब जो हमारा ग्रैंडपा है, तो यार ये बंदा जो है ना ये पहले रहता था मतलब कि किसी और अपने फ्लैट में किसी शहर में रहता था। तो यार ये जब इसका ग्रैंडपा मरने से पहले ना, तो इसके लिए कुछ मतलब लेटर्स वगैरह लिख के गया था। तो यार उसमें अब इस लेटर में लिखा हुआ है कि भाई सब इधर ना काफ़ी ज़्यादा मतलब एनिमल्स हैं, जिसकी वजह से ना तुम्हें मतलब वो मुश्किल में डाल सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें ना एक कार की ज़रूरत पड़ेगी। तो यार वो उसी कार के लिए यार हम अब यहाँ पर मतलब अपना काम करने वाले। तो फटाफट से एक बार बाहर निकलते हैं। तो यार आप यहाँ पर आपको ना मैप के अंदर कुछ मतलब ब्लू से ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, वो सारे के मतलब जितनी भी चीजें हैं सारी कार्स के। तो फटाफट से आगे जाते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज उठानी है। तो गाइस यार मैं भागता हुआ आ गया। तो यहाँ पे निशान आ रहा है, कार इस साइड पे है। तो यहाँ पे देखना, तो फटाफट से यार इसके अंदर शहर से है। तो यार अंदर जाके चेक करते हैं। तो भाई साहब ये रही ये कार। तो यार इस कार पर हमें क्या चीज मिलने वाली है? ना इसके अंदर कोई चीज लगी हुई है। चलो कोई नहीं, फटाफट से यार यहाँ से इसे पिक करते हैं। तो यहाँ पे भाई सब जितनी भी चीज़ें हम उठाएंगे ना उसके ऑप्शन आते जाएंगे। चलो कोई नहीं, फटाफट सर एक मिनट ये शायद से टायर पड़ा है, तो टायर उठाते हैं। तो जल्दी से जाके इसे भी इंस्टॉल कर देते हैं। तो भाई सब मैं फटाफट से यार सारा का सारा काम करके तुम्हें 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ। तो यार कुछ अजीब सा लग रहा है यार, इतने ज़बरदस्त कपड़े पहने हो यार, बंदा ऐसे मतलब चीज़ें उठा के भाग रहे यार। मैं सोचा कि अगले एपिसोड में ना यार अगली वीडियो में यार हम इसके कपड़े थोड़े बहुत ना तब्दील करवा देंगे। तो चलो कोई नहीं यार, यहाँ पर फिलहाल यहाँ पर जहरी कैन उठानी है। तो ओके ठीक है, चलो कोई नहीं, चलो फटाफट से यार इसे भी यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे कोई जहाँ पे ग्रीन ऑप्शन है हाथ भाई सब यहाँ पे। तो यार फिलहाल यार पे हमने सारे के सारे काम कंप्लीट कर दिया। तो यार अब कोई ढंग की कार लग रही है ये। तो फटाफट के अब हमें कहाँ जाना, गैस स्टेशन। तो गैस स्टेशन कहाँ पे है? तो एक मिनट शायद से हम मैप पर चेक कर लेते हैं। तो गैस यार ये रहा गैस स्टेशन, फटाफट से यार यहाँ पर मैं लोकेशन लगाता हूँ। तो यहाँ से मैं गेट एक बार खोलूँ। तो यहाँ पर फिलहाल गेट खुल गया, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से खुला। तो फटाफट से यार कार के अंदर बैठते हैं। सबसे पहले यार इसका ये ऑन करनी पड़ेगी कार, आप फटाफट से यार लेके जाते हैं। एक मिनट तो भाई साहब ये कार है क्या चीज़ है?
काफ़ी ज़्यादा घटिया कार यार, चलाई नहीं जाती यार, इसका मतलब के कंट्रोल ही नहीं है कोई, जितनी स्पीड में मतलब के एक बार स्पीड पकड़ती है और फुल स्पीड में जाती है, तो ये सब चलाई नहीं जा रही। चलो कोई नहीं, फटाफट से गाइस यार मैं तुम्हें गैस स्टेशन के ऊपर मिलता हूँ। तो ऑलराइट गाइस यार मैं इस खच्चर कार को भगाता हूँ, पहुँच गया इस पेट्रोल पंप पे, तो फटाफट गाइस यहाँ से मैं उतरता हूँ। तो यार मुझे अब यहाँ पे करना क्या है, तो अच्छा तो भाई साहब मुझे यहाँ पे इसे मतलब फुल करना होगा पेट्रोल को, यहाँ से उठाई तो फटाफट गाइस सबसे पहले इसके अंदर डाल देते हैं, तो यहाँ पर फिलहाल ये भर जाएगी। तो इसके बाद अब हमें क्या करना है, जेरी कैन को अब किसके अंदर भाई साहब भरना है, दूसरा पेट्रोल है? नहीं नहीं भाई साहब एक ही लगी है। चलो कोई नहीं, फटाफट से मैं दोनों के अंदर पेट्रोल भरता हूँ। तो गाइस यार यहाँ पे फिलहाल मैंने अपनी कार के अंदर पेट्रोल भर लिया है, तो फटाफट गाइस अपनी कार को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे शेयर से हमारी कार स्टार्ट हो चुकी है। तो यार यहाँ पे अब हम किधर जाना है, टॉक विद द रियल एस्टेट एजेंट। तो चलो कोई नहीं यार, फटाफट से यार वो कह रहे कि रियल एस्टेट एजेंट है उसके पास जाओ, पता नहीं यार कौन रियल एस्टेट एजेंट, हमें तो कोई नहीं पता, चलो कोई नहीं वहाँ पर जाकर ही पता चले। तो गाइस यार यहाँ पे फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ रियल एस्टेट वालों की दुकान पर, तो फटाफट से अंदर जाके चेक करते हैं भाई सब कौन है। तो यहाँ पे फिलहाल ओपन करते हैं गेट। तो यार यहाँ पे फिलहाल किससे बात करनी है हमें, तो रियल एस्टेट वाले से बात करनी है, तो ये है रियल एस्टेट एजेंट। तो एक बार इससे बात करके चेक करते हैं ई, तो यस ओके कंटिन्यू थैंक यू। तो यहाँ पे फिलहाल हमें ये बुक मिल चुकी है जिससे मतलब कि हम अपने कुछ बना सकते हैं। तो ये बंदा कौन है, तो यार इससे भी बात करके चेक करते हैं। शॉप, अच्छा शॉप असिस्टेंट है। तो हाउ कैन आई बाई अ कार, तो यूज़ दी कंप्यूटर हेयर टू परचेज व्हीकल, ओके ठीक हो गया गुड बाय। तो अब यार हमें क्या करना है, तो फटाफट से यार इसमें चेक करते हैं कौन कौन सी कार्स हैं। यहाँ पे $800 की, ये भाई सब वही कार है शेस जो हमारे पास है, काफ़ी ज़्यादा महंगी है। यहाँ पे $1600 की, $500 की, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो भाई सब फिलहाल काफ़ी महंगी महंगी कार्स हैं, तो यार हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कार्स खरीद सके। तो अब हमें क्या करना है, तो रेडियो इंस्टॉल्ड, रेडियो कहाँ पे होगा, गेट इन द कार एंड ड्राइव इनटू द गैरेज। तो अच्छा तो भाई साहब वो कह रहे हैं कि कार के अंदर बैठो और गैरेज के अंदर लेके जाओ। चलो कोई नहीं, फटाफट यार यहाँ पे अपनी कार को स्टार्ट करते हैं और गैरेज के अंदर लेके जाते हैं। यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि भाई अभी तो स्टार्ट है ना, ये हमें एकदम ट्यूटोरियल की तरह समझा रहे हैं भाई साहब, जब हम एक बार सीख जाएंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक मिनट, गैराज इनका शहर से यही है? हाँ, तो भाई साहब कितना ज़्यादा बढ़िया बना के रखा हुआ है। फटाफट यार अपनी कार को अंदर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर हमारी कार आ गई है, यहाँ पे हम अपनी कोई कलर वगैरह चेंज करवा सकते हैं। ओ भाई साहब कितना ज़्यादा एपिक लग रहा है, यार ये सही लगेगा। तो ये भी हो गया, तो यार नन रेडियो, तो भाई सब रेडियो भी इंस्टॉल हो गया। चलो कोई नहीं, फटाफट से गाइस अब हम निकलते हैं बाहर, तो यार काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे। चलो कोई नहीं, फटाफट से यार अपनी कार को बाहर निकलते हैं। तो अब हमें कहाँ जाना है, हार्डवेयर स्टोर रीच्ड, तो यार ये कहाँ पर होगा हार्डवेयर स्टोर, तो फटाफट से यार मैं एक बार घूम के चेक करता हूँ। तो यार मुझे समझ नहीं आ रही किस जगह पर है, तो भाई सब वो सामने की तरफ दूसरी साइड। चलो कोई नहीं, फटाफट यार अपनी कार को भगा के जाते हैं हार्डवेयर स्टोर पे। ऑलराइट गाइस यार मैं अपनी कार को भगाता हूँ, पहुँच गया इस हार्डवेयर स्टोर पे। तो यार अब कार हमारी कुछ सही लग रही है क्योंकि भाई सब कलर करवाया ना एकदम अच्छी सी लग रही है। चलो कोई नहीं, फटाफट यार आगे जाके चेक करते हैं अब हमें क्या करना है। तो ऑल स्टोर्स हैर टर्मिनल थ्रो विच यू कैन मेक अ परचेज, ओके। तो भाई सब कह रहे जितने भी मतलब टर्मिनल वगैरह उधर से मतलब कोई चीज़ भी खरीदी हो ना ये बनी होगी तुम्हारे लिए। तो अब हमें क्या करना है, एक्स क्रोबार और चीफ टेबल सॉ, तो चलो कोई नहीं फटाफट ये भी ख़रीदते हैं। तो ये एक्स भी आ गया, क्रोबार तो चीप टेबल, तो यार कितने महंगे दे रहे हैं यार, इतना पैसा हमारे पास नहीं है यार हमारे से एक बार में सारी चीज़ें ले लिया। चलो कोई नहीं, फटाफट से यार एक बार बाहर निकलते हैं। तो यार ये पता है क्या करते हैं, हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो बाहर फेंक देते हैं। तो चलो कोई नहीं, हम यहाँ पे भिखारी तो है नहीं यार जो जिस तरह ये हमें देते हैं। चलो कोई नहीं, फटाफट से ये भी मैंने उठा ली और ये भी मैंने उठा ली। तो अब हमें इसे उठाना है, तो यहाँ पर इसे पिक करके इसके अंदर शहर से रखना है। तो भाई सब किधर रखना है रे, तो यार यहाँ पे कोई जगह नहीं है। हाँ तो भाई सब ये रहा, मैं सोच रहा हूँ जेरी कैन को यहाँ से उठा के ना तो इसे थोड़ी सी इस जगह पे रखते हैं, तो ये सही रहेगा भाई सब, वहाँ भी सही है। चलो कोई नहीं, फटाफट से गाइस यार कार के अंदर दोबारा से बैठते हैं। तो यार टॉक विद द सेलर, अब सेलर कौन है यार भाई सब, कितने ज़्यादा बंदे यार क्या ही बताऊँ इस गेम के अंदर। फटाफट से यार यहाँ से अपनी कार को भगा के जाते हैं। यार मुझे रोड के ऊपर कोई भी बंदा नहीं नज़र आता, शहर से मुझे लगता है यार इस शहर के अंदर सिर्फ हम अकेले ही हैं। तो अगर अकेले हो तो यार काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है क्योंकि भाई सब यहाँ पर जानवर वगैरह काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो गए जी यहाँ पे फिलहाल पहुँच चुके हैं जनरल स्टोर पे, यहाँ से एकदम अच्छी सी पार्किंग करवाते हैं। तो यहाँ पे भाई सब यहाँ पे सही रहेगी, हाँ तो यहाँ पे सही है। तो फटाफट से इस कार से निकलते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल ये क्या लिखा है, तो मतलब शेड्यूल रखा है। तो भाई सब काफ़ी ज़्यादा यार रात होने वाली है, फटाफट से यार अंदर जाके चेक करते हैं यार दुकान बंद ना हो जाए, यार अगर दुकान बंद हो जाए ना काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती है। तो फटाफट से यार इससे बात करते हैं, तो चलो कोई नहीं यार एंड कन्वर्सेशन। जो हम अभी हमें एग बास्केट और 2 चिकन्स ख़रीदने हैं, तो चलो कोई नहीं फटाफट से यहाँ से ख़रीदते हैं। चिकन्स कौन से सही रहेंगे, तो यहाँ पर एक ब्लैक ख़रीद लेते हैं,
और एक वाइट, ये सही रहेगा। तो और हमें क्या खरीदना था, हाँ एग बास्केट, तो ये हो गया। तो भाई सौ हमारा कितना ज़्यादा यार इन्होंने डॉलर्स ख़त्म करवा दिए। चलो कोई नहीं, फटाफट यार एक बार बाहर निकलते हैं शायद से। भाई साहब थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ही हमारे पास पैसा आएगा ना। तो देखते हैं भाई सब किधर पड़ी, ये भी शायद इन्होंने बाहर रखी है। तो भाई साहब मैंने क्या कहा था, इन्होंने बाहर ही रखी उन्हें। फटाफट यार अपनी कार के अंदर इसे भी रखते हैं। तो यहाँ पर यार कुछ जगह बना के मुझे रखनी होगी। तो भाई साहब ये सही रहेगी। अब टू चिकन्स रह गए, उसे भी फटाफट से अंदर रखते हैं और अपने घर के लिए निकलते हैं। गए थे यहाँ पे, फिलहाल हमने सारी की सारी चीज़ रख ली है। तो फटाफट से अपनी कार के अंदर बैठते हैं। तो यार यहाँ पे अब आपको ना रोशनी थोड़ी बहुत मतलब गेम थोड़ी बहुत काली नज़र आ रही है, मतलब कुछ भी रोशनी नहीं है गेम के अंदर। फटाफट से अभी देखना यार कितनी ज़्यादा रोशनी हो जाती। तो यहाँ पे एल दबाए, तो भाई साहब कितनी ज़्यादा रोशनी यार इस कार की, एक बार देखो कितना ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। तो यार ये आप कह रहे कि दोबारा से अपने रेंच पर वापस जाओ, चलो कोई नहीं, फटाफट से यार अपनी कार को भगा के जाते हैं अपने रेंच पर। तो ऑल राइट गाइस, यार मैं अपनी कार को भगाता वो पहुंच गया था अपने शोरूम अपने घर के ऊपर रेंच के अंदर दोबारा से। यार रेंच के अंदर लाइट्स काफ़ी ज़्यादा है। तो चलो गाइस यार आज की इस वाली वीडियो में इतने। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट जाके इस वीडियो कर देना लाइक। तो यार इस वीडियो पर मैं एम करता हूँ 10 लाइक का। तो यार जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर दे। हाँ तो भाई सो अगले वाले एपिसोड में यार हम काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाले, क्योंकि भाई सो यहाँ पे नाम एकदम मतलब जैसे माइनक्राफ्ट होती है सर्वाइवल गेम है। तो यार इसके अंदर हम अपने चिकन्स वगैरह पालेंगे, काउस वगैरह अपने घर वगैरह बनाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मज़े की गेम है। तो यार वीडियो को देखने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।